बड़े शहर के बड़ी बड़ी बातें। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं सविता, अभी मैं 28 की हूँ और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं सांवली हूँ लेकिन फिर भी सही दिखती हूँ। मैं हर तरह के कपड़े पहनना चाहती हूँ, लेकिन पहले मेरे घर में घर वाले और शादी के बाद पति ने मुझे पहनने नहीं दिए कोई भी ऐसे कपड़े। लेकिन मैं बड़ी शौकीन इंसान हूँ, मुझे हर लोगों से मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मगर मेरे घर पर पहले माहौल ऐसा नहीं था और बाद में मुझे पति भी ऐसा नहीं मिले, इसलिए मुझे घर की इज्जत बचाने के लिए सब बस अपने मन में ही रखना पड़ा। तो अब बताती हूँ कि आखिर 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रख दी। हुआ कुछ यूँ कि इंटर पास करने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन एडमिशन में लिया तो घर वालों ने मेरी शादी तय करवा दी। फिर मैंने बहुत नाटक की कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। ऐसे में मेरे घर वालों ने मेरे ससुराल में शर्त रखी कि हमारी लड़की आगे पढ़ना चाहती है तो इस पर मेरी सास तैयार हो गई। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति बस दो ही लोग थे, तो शादी के शुरुआती दिनों में मैंने सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद किया। लेकिन शादी के पहले ही रात मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पति बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं जो मैंने सोचा था, अब क्या ही कर सकते हैं, किस्मत पर किसका भरोसा। फिर मैं चुप रही और कुछ नहीं कही, क्योंकि कहने को कुछ नहीं था। और कुछ दिन बाद जब ग्रेजुएशन के साथ एक अलग कोर्स करने के लिए फॉर्म भरा तो मेरे पति ने मुझे मना करने लगे। वो बोले, अब क्या ज़रूरत है, शादी हो गई ना, और तुमको कौन सी नौकरी करनी है। अब ये बात शाम तक मैंने अपने सास को कही तो उन्होंने मेरे पति को बुलाकर समझाया और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बोला। मेरी सास मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ देती क्योंकि उनकी वो मुझे अपनी लड़की मानती। खैर कुछ दिनों से मेरे पति के साथ मैं साथ तो नहीं रहती तो मेरा व्यवहार बहुत ही चिड़चिड़ा होने लगा। हर छोटी बात पर पति से लड़ाई हो जाती और उनसे बात भी बंद हो गई थी लगभग। फिर इसी तरह एक दिन मेरे मासिक नहीं आए तो मेरी सास बहुत खुश हुई, मुझे भी अच्छा लगा। मेरी सास मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गई। वहाँ डॉक्टर ने मेरी जांच की और बताया कि मैं कभी ऐसे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। ये सुनने के बाद मानो मेरे ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। शाम को मेरे पति को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे तलाक देने का फैसला किया। मैं भी बहुत गुस्सा आई और कहा, ठीक है दे दीजिए तलाक। अब मेरी सास बीच में आई और हम दोनों को समझाते हुए बोली, इसमें औरत या किसी का गलती नहीं होता, ये सब कुदरत की मर्जी से होता है। उसके आगे कुछ नहीं बोली। वो अपने लड़के को समझाते हुए बोली, तुम इससे अलग होना चाहते हो, ठीक है अलग हो जाओ, लेकिन तुम्हारे पिता के समाज में बहुत इज्जत है और इस तलाक घर में अगर तलाक हुआ तो शायद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो आगे बोली, तुम दोनों इसी घर में रहो लेकिन अलग रहो, जब किसी के सामने जाना हो तो पति पत्नी की तरह जाना और तुम दोनों को जो करना है अपनी ज़िंदगी में वो करो, मगर इस घर का इज्जत का ख्याल रखो। तो हम दोनों पति पत्नी होते हुए भी अलग हो गए। मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी। एक दिन मेरी एक फ्रेंड जो कि एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, उसने मुझे बोला कि भर्ती निकलवाने वाले फॉर्म भर दो, इसमें ऐसा जुगाड़ है, मैं तुम्हारा करवा दूंगी, जो पैसे लगे वो दे देना। मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा चयन करवा दिया, लेकिन कॉलेज मुझे सहारनपुर मिला तो मैंने उसको बोला कि कहीं पास में ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि मैं अपने शहर में रहकर ही नौकरी करना चाहती हूँ। उस वक्त मेरी फ्रेंड ने बोला कि ठीक है देखती हूँ और कोशिश करती हूँ।
जब ये बात मेरे सास को और घर पे बताई तो दोनों बहुत खुश थे और मुझे नौकरी के लिए इजाज़त दी। मेरे पति से कोई खास मतलब तो था नहीं। इसी तरह एक दिन मेरे फ्रेंड ने कॉल किया और बोला, कल तेरी ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख है, अगर कल नहीं ज्वाइन करोगी तो तुम्हारी ये सीट रद्द हो जाएगी। मैंने बोला, मैं इतनी दूर अकेले कैसे रहूँगी, तो मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं करवाई। वो बोली, देख अब ट्रांसफ़र अभी तो नहीं हो सकता, तुमको अगर ये नौकरी करनी है तो वहाँ ज्वाइन करना ही होगा। मैं अपनी सास को सारी बात बताई और वो मुझे डांटने लगे, कहे कि तुम्हें ये सोचने वाली बात थी, ज्वाइन तो तुम्हें तुरंत ही करनी थी, आखिर इतनी बढ़िया नौकरी है। शाम को मैंने अपने घर पर मम्मी को भी पूछा तो उन्होंने भी बोला सहारनपुर जाने। मैं उसी रोज रात को अपना सारा सामान बांध कर सहारनपुर जाने वाली बस में बैठ गई। सुबह 8 बजे करीब वो बस सहारनपुर पहुंची। मैं वहां उतर कर फ्रेश हुई तभी मेरी फ्रेंड ने कॉल किया और मुझसे पूछने लगी। फिर उसने वीडियो कॉल की तो मेरे कपड़े देखकर डांटने लगी, कैसे गवार वाले कपड़े पहन के आई हो। वो मुझे समझाते हुए बोली, तुम यहाँ अकेली हो, ये बड़ा शहर है, यहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। अगर तुम चाहती हो इस समय रुक कर अच्छे से नौकरी करना तो थोड़ा मॉडर्न बनो, कुछ ऐसे बनो। उसने बताया कि उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पटा कर रखा है और इसीलिए उसका प्रिंसिपल सपोर्ट भी करता है। अब मैं फिर जाकर फ्रेश हुई और इस बार थोड़े अच्छे कपड़े पहने ताकि मैं ढंग से दिखूं, और फिर थोड़ा मेकअप किया और एकदम अब मैं एकदम टॉप लग रही थी, टॉप क्लास। अब मैं बाहर निकली, हल्का नाश्ता किया और सीधा कॉलेज चली गई। वहाँ पहले प्रिंसिपल से मिली तो एक 45 साल का आदमी था, लेकिन उसके आँखों में कुछ आ रही था। कुछ देर उसने मेरे सारे कागजी काम किए और मुझे 12 बजे के करीब बुलाया, आप अपना एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लाइए क्योंकि हमारे ऑफिस 5 बजे तक खुला रहेगा, देर होगी तो दिक्कत हो जाएगा। उसने अपनी बात रखी। अब मैं वहाँ कुछ अकेले जानती नहीं थी। मैं वहाँ से करीब 12:30 बजे निकली और ऑटो करके सहारनपुर के अस्पताल आई। यहाँ मेरे शहर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था। मैंने एक आदमी से पूछा जो वहाँ खड़ा था, मेडिकल कहाँ बनेगा। उसने CMO ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए कह दिया। मैं सीधे उस ऑफिस में चली गई और उनको मेडिकल के लिए बोला। उन्होंने पहले पर्चा बनवा कर लाने को कहा। जब मैं पर्चा बनाकर पहुंची तो उन्होंने लिखा 4 डॉक्टर से चेकअप करवाना होगा। अब मैं आपके उनके ऑफिस गई और वो सब उठ चुके थे, एक ही डॉक्टर वहाँ था। उन्होंने कहा, मेरे पास आने से पहले 3 चेकअप और होना होता है, आपको कल ही आना होगा, पहले के 3 चेकअप के बाद आप मेरे पास आना, कल 10 बजे ही आपका मेडिकल बन पाएगा। मैं वहाँ से निराश होकर निकलने लगी। तभी एक 50 साल का आदमी, नाटे कद का आदमी वहाँ खड़ा था। उसने बोला कि क्या हुआ, आज ही बनवाना जरूरी है। तो मैंने कहा, हाँ आज ही जरूरी है। वो बोला, मेरे साथ चलो। फिर वो मुझे किनारे के कमरे में ले गया, फिर बोला, देखिए अब सब डॉक्टर उठ गए हैं, लेकिन अब तक भी बनवाने है तो आप मेरी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मैंने उससे बोला, क्या समझाई। तो बोला, एक बार आप मुझे खुश कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। मैं उसकी इस बात पे बहुत ज़्यादा भड़क उठी और कही, रहने दीजिए मैं खुद बनवा लूँगी। वो आदमी बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला, ठीक है बनवा लीजिए, लेकिन अगर आज काम नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी, एक काम कीजिए आप देख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो मेरे पास आ जाइएगा। मैं वहाँ से हट गई और करीब 1 घंटे के खूब कोशिश के लिए, लेकिन पैसे देने के बाद भी जब आज कोई बनाने के लिए था नहीं। अब मैं थक हार कर ना चाहते हुए भी शर्त मानने पे मजबूर हो गई, उसके पास चली गई। अब उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया, वो मुझे अंदर कमरे में ले गया, दरवाज़ा खोला, उसने मुझे अंदर बुला दिया और फिर दरवाज़ा बंद किया। दोस्तों इसके बाद क्या होता है यह आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।